हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इम्प्लॉयज यूनियन का जिला स्तरीय अधिवेशन हमीरपुर में यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ने बिजली बोर्ड में लागू की जा रही केंद्र की आरडीएस योजना के तहत की जा रही स्मार्ट मीटरिंग पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा कि इसमें रखे गए लक्ष्य व शर्तें प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों में व्यवहारिक नहीं है और केंद्र सरकार की शर्त के अनुसार लक्ष्यों के प्राप्त न होने पर इसमें दी जा रही ग्रांट लोन में बदल जाएगी। यूनियन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राज्य की खराब वित्तीय हालात देखते हुए केंद्रीय ग्रांट का लालच देकर बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के नाम पर स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से देश के बड़े निजी कॉरपोरेट को बिजली वितरण कंपनियों में प्रवेश करना चाहती है। इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर के रखरखाव का कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर करना प्रस्तावित है। यूनियन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहले ही इसके लिए कुछ पहलुओं से अवगत करवाया है और बोर्ड को पहले ही इस प्रक्रिया को रद्द करने के निर्देश दिए थे, लेकिन प्रबंधन वर्ग सरकार के पास इस बारे आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और फिर से स्मार्ट मीटरिंग की टेंडरिंग शुरू कर दी है। वैसे तो रूटीन इस तरह की यूनिट एक्टिविटी देखने को कन्वेंशन था। आज जो कन्वेंशन में चर्चा हुई है उसमें मोटे तौर पर चर्चा जो बिजली बोर्ड में स्मार्ट मीटर किया जा रहा है लगभग 26 लाख किलोमीटर बदले जा रहे हैं स्मार्ट मीटर, एक उसमें चर्चा हुई इसका लोग इसका यूनियन या कर्मचारी कंपनी से बोल करते हैं। इसलिए चर्चा यहाँ जो बिजली बोर्ड में ओपीएस गवर्नमेंट ने अभी हिमाचल प्रदेश में करिए लेकिन बिजली बोर्ड में लागू नहीं हुई उसको लेकर के लोगों का बोल सकते कि एक शेयर उनका गवर्नमेंट में नहीं कटा है, अगर लेट करेंगे तो अगले महीने का कट जाएगा। उस पर भी चर्चा हुई, उस पर हमारी मांग है कि बिजली बोर्ड में बिना किसी देरी के ओपीएस को बांध सकें। इसके अलावा बिजली बोर्ड से एक ट्रांसमिशन और जनरेशन के जो अभी अफेयर्स हैं जो वीक है उसको अलग करने की बात कही जा रही है, उस पर हमारी सबसे बड़ी क्लियर है कि आज अगर बिजली बोर्ड को बंडल फॉर्म में रखा है, जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठे रखा है, उसका कंज्यूमर को सीधा फायदा है। उससे कंज्यूमर को जो बिजली दरें और सस्ती मिल रही है, अगर इसको अलग अलग किया जाए, अगर फिर आपके जनरेशन के रेट हैं वो जो आपका टैरिफ होगा वो लगभग 4 रुपये के हिसाब से होगा, जो आज 1.5 रुपये या 1 रुपये के हिसाब से बिजली चार्जेज होगा, तो उससे क्या होगा जो प्रदेश के कंज्यूमर है उसकी बिजली दरों में कई गुना वृद्धि होगी और 3.5-3 गुना वृद्धि होगी। इस करके जो बिजली बोर्ड का बंडल फॉर्म आज है वो उसका कंज्यूमर को उसका सीधा फायदा मिल रहा है, उसको बंडल फॉर्म में रखा जाए, उसको आगे गठित न किया जाए। उज्जवल हिमाचल के लिए हमीरपुर से विजय ठाकुर की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा।